हेलो एवरीवन मेरा नाम है निष्ठा और मैं हर फ्राइडे की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ फाइनेंस जॉब अपडेट्स जो कि हो सकती है एंट्री लेवल में भी और एक्सपीरियंस लेवल में भी हम बात करेंगे पहली जॉब के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परेशान नहीं होना है कैसे अप्लाई करना है वो हम सबसे लास्ट में बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई ऑन दीज जॉब्स तो चलिए बात करते हैं हमारी पहली जॉब के बारे में जो कि है डब्ल्यू में और जो आपकी पोस्ट रहेगी वो होगी अकाउंट्स पेबल जूनियर प्रोसेस एनालिस्ट ये बताया गया है कंपनी के बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन तो जॉब समरी आपको क्या रहेगी अंडर सुपरविजन ऑडिट एंड रिकनसाइल वेंडर इन वॉयिस पर आपको काम करना होगा और ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी रिकनसाइल एंड ऑडिट एक्सेप्शन बेस्ड इन वॉइस विद हाइएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन स्पीड उसके बाद है दैट वेंडर्स आर पेड इन अकॉर्डिंग इसका आपको इंश्योर करना होगा पे इन वॉयसेज करेक्टली पासिसट पर्सनल ताकि हम जो है डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन कर पाए कीपिंग वेंडर अकाउंट्स अपडेटेड और क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम्स इन क्यूज मीट्स और एक्सीज इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स रिजॉल्व प्रॉब्लम्स इन प्रॉब्लम एक हाइस्ट डिग्री ऑफ अर्जेंसी के साथ साथ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करना होगा और प्रोफेशनल प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन इंटरनल कस्टमर्स के साथ बनाने होंगे और जो एजुकेशन और एक्सपीरियंस है वो है बी कॉम एम कॉम और इक्विवेलेंट डिग्री इन ल्यू ऑफ डिग्री हाई स्कूल ऑफ डिप्लोमा और जीईडी uh, या फिर रिलेवेंट वर्क ऑफ एक्सपीरियंस भी आपका चल सकता है एक्सपीरियंस होना चाहिए छह मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑडिट में अकाउंट्स में और फाइनेंस में उसके बाद अदर नॉलेज एंड स्किल्स और एबिलिटीज क्या क्या रिक्वायर्ड है रीड एंड इंटरप्रेट डॉक्यूमेंट्स सच एज डिपार्टमेंटल रिपोर्टिंग ईमेल्स इंड वेंडर कॉरेस्पॉन्डेंट्स ये तो बेसिक uh, सी चीज़ है आपको चीजें पढ़नी आनी चाहिए समझनी आनी चाहिए उसके बाद है मैथ्स एबिलिटी है हमारे पास फिगर्स और अमाउंट्स आपको डिस्काउंट इंटरेस्ट प्रपोर्शन और परसेंटेजेस ये आपको कैलकुलेट आनी करनी आनी चाहिए रीजनिंग एबिलिटी भी यहाँ पे दी गई है कंप्यूटर स्कूल्स की बात करें तो एम एस आउटलुक आउटलुक इज़ फॉर मेल्स एंड ऑल हर कंपनी के अलग अलग मैसेंजर्स या फिर कोई अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ये लोग आउटलुक यूज़ कर रहे हैं एमएस वर्ड एम एस एक्सेल एंड एम एस पावर पॉइंट्स स्पेशल स्किल्स की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम हैंडलिंग वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन शुड बी वेरी गुड उसके बाद है पेस कंसिडर्ड फास्ट होना चाहिए वेंडर्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो आप अर्जेंट बेसिस पे उस एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाए उसके बाद ये कुछ और चीजें हैं जो कि है आपको वर्क एनवायरनमेंट में कैसे रहना है क्या क्या आपकी एबिलिटीज होनी चाहिए ये आप सारी देख सकते हैं यहाँ पर उसके बाद आते हैं हम हमारी सेकेंड जॉब पे जो कि है बजाज आइलैंड्स में क्या है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस तो इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में देख लेते फाइनेंशियल एनालिसिस आपको करना होगा मंथली टॉप डिटेल डिटेल्ड पी पीएनएल देखना होगा क्लेम्स करने होंगे कमीशन देखनी होंगे लाइन ऑफ बिजनेस मेजर इंटरमीडियरी वाइज एनालिसिस करना होगा जोग्राफी वाइज करना होगा कि सक्सेस पैरामीटर्स के साथ साथ करना होगा इवेलुएशन और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए भी ड्राइविंग प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होगी प्लानिंग करनी होगी कि ए ओ पी एल आर पी कैसे करेंगे आप एल ओ बी वाइज आपको देखना होगा एल ओ बी इज लाइन ऑफ बिजनेस देखना होगा आपको कमीशन देखनी होगी लॉ रेशोज देखने होंगे री इंश्योरेंस कमीशन एनालाइजेशन करना होगा आपको उसके बाद है कि क्या क्या स्किल्स चाहिए वन टू फोर ईयर ऑफ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इस इंडस्ट्री का और इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स एनालिटिक स्किल्स बिजनेस अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्ट्रक्चरड थाट प्रोसेस आपका होना चाहिए और अगर बात करें कि एजुकेशन या क्वालिफिकेशन है वो है सी ए या एम बी ए फाइनेंस डिजायरेबल स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टल टू चेंज वेल वर्ज विद एम एस ऑफिस जो कि बेसिक है शुड हैव गुड एनालिटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लोकल लैंग्वेज के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा उसके बाद है आप देख सकते हो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस थ्री टू सिक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है क्योंकि ये जो जॉब प्रोफाइल है ये बहुत ही टॉप जॉब प्रोफाइल है टॉप नॉच प्रोफाइल आपको ये मिल रहा है तो इसके लिए थ्री टू सिक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्योंकि जो हमारी वर्किंग प्रोफेशनल्स है जो स्विच करने के लिए देखना चाह रहे हैं वो भी इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं अब जो हमारी जॉब है वो है JLL में जिसका नाम आप सबसे सुना ही होगा और प्रोफाइल क्या है फाइनेंस एनालिस्ट अकाउंट पेएबल ऑन साइट जॉब रहेगी गुड़गांव में रहेगी और इसमें कंपनी के बारे में बताया गया है जॉब इन्वॉल्व क्या करनी है आपको डिजिटल थिंकिंग करनी होगी मैपिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स करना होगा परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे अगर आपको लग रहा है कि आप ये हो तो आप अप्लाई कर सकते हो फ्लॉलेस एक्सपर्टीज आपकी होनी चाहिए इमेक्यूरेट नॉलेज आपको होनी चाहिए इस इस प्रोफाइल के बारे में और यहाँ पर आपको क्या क्या मिल सकता है जॉब लोकेशन आपकी ऑन साइड गुड़गांव रहेगी ये प्राइवेसी नोटिस भी आपको मिलेगा इस जॉब के अलावा और अगर आपको और भी करियर अपॉर्चुनिटीज देखनी है जे एल एल में तो आप इनकी करियर्स वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जहाँ पर जाके आप और भी प्रोफाइल्स के लिए और भी डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अब आते हैं हमारी सबसे लास्ट जॉब में जो कि बहुत ज़्यादा ये जो है डिमांडिंग कंपनी uh, है लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लोगों की प्लेसमेंट हो जाती है यहाँ पे जो कि है गोल्ड मैन शैश अब देखते हैं हम इसके बारे में जो कि है एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट जो कि एनालिस्ट uh, के लिए हैं और बेंगलुरु इसकी जॉब रहेगी यहाँ गोल्ड मैन शैश के बारे में बताया गया है वी करेक्ट पीपल कैपिटल एंड आइडियाज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर आर क्लाइंट्स वी आर लीडिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर्म उसके बाद हम देख लेते हैं वेल्थ मैनेजमेंट में आपको क्या क्या करना होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी एज विथ पीडब्ल्यू एम टीम टू सपोर्ट क्लाइंट इनिशियल ऑन बोर्डिंग को आपको फैसिलिटेट करना होगा ऑन गोइंग मॉनिटरिंग और क्लाइंट रिलेशनशिप में आपको मैनेज करना होगा क्लाइंट्स और अकाउंट्स के लिए इंश्योर करना होगा अंडरस्टैंड करनी होगी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स इंटरनली सोर्स डॉक्यूमेंटेशन देखना होगा क्लाइंट रीच आउट रिक्वेस्ट देखनी होगी इन चीजों पर आपको काम करना होगा बेसिक क्वालिफिकेशन देख लेते हैं फोर ईयर डिग्री और हाइयर इन मैनेजमेंट फाइनेंस अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स और अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस और प्रोसीजर्स आनी चाहिए क्लाइंट की ऑन बोर्डिंग अकाउंट मेंटेनेंस अकाउंट फंडिंग आपको आनी चाहिए डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपको एक्वेंटें आनी चाहिए प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए वेल्थ मैनेजमेंट में उसके बाद है आपको रिटर्न इन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन ये हर जॉब में आता है और इस पर आपको काम कर लेना चाहिए अगर अभी तक आपने काम नहीं किया है क्योंकि ये स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर काम नहीं आएगा किसी कंपनी में जाके प्रॉब्लम होगी बट कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी किसी से पूछ पाओगे किसी से बात कर पाओगे किसी को एक्सप्रेस कर पाओगे तो आप वहाँ जाके काम करना सीख सकते हो बट अगर कम्युनिकेशन स्किल्स वर्बल स्किल्स नहीं है ना तो आप कितनी ही कंपनी स्विच कर लो कहीं भी चले जाओ कितना ही सीख लो ना आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे ना एग्जीक्यूट कर पाओगे और अगर नहीं आता फिर तो नहीं पार लगाने वाला कोई है ही नहीं ठीक है अब बात कर लेते हैं आगे क्या है ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा क्रॉस ट्रेनिंग करनी होगी टास्क शेयरिंग होगा म्यूचुअल सपोर्टिव टीम वर्क करना होगा आपको उसके बाद है इनोवेटिव थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए प्रोएक्टिव टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए जो कि बेसिक चीज़ें रहती है किसी भी जॉब रिक्वायरमेंट में अब इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोएक्टिव टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए बाकी वो हर इंप्लाई में मांगा जाता है प्रोएक्टिवली आप काम नहीं करोगे किसी को बताओगे नहीं कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ ये कैसे कर सकते हैं या किसी भी इनिशिएटिव के लिए आप ऑलरेडी उस चीज़ में इंडल्ज नहीं है इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वो तो लैक ऑफ प्रो एक्टिवनेस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ डेडिकेशन या मेजरली यू आर इंटू प्रोकनेशन तो ये चीजें होती हैं अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना होगा इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको बी एफ एस आई इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है तो पीडब्ल्यू स्किल्स का प्रोग्राम है थ्री मंथ का जिसमें आप कोर बैंकिंग के साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन सॉफ्ट स्किल्स प्रिपे कम्युनिकेशन स्किल्स प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है एच टी जो कि पैन इंडिया लोकेशन अवेलेबल है जिसका आपको गूगल फॉर्म मिलेगा डिस्क्रिप्शन में आपको फिल करना है काउंसलर्स आपको कॉल करेंगे कहीं रीलोकेशन की ज़रूरत नहीं है आपके घर के पास ही आपको हम प्लेस करा देंगे अब बात आती है कि इन सारी जॉब्स में कैसे अप्लाई करना है इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां पर जाके आपको सिर्फ क्लिक करना है जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है फिर से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना लोकेशन देख लेना फिर अपना सीवी या रिज्यूमे आप इस पर अपडेट कर सकते हो तो ये थी हमारी फाइनेंस की जॉब अपडेट्स अगर इसके अलावा आपने कभी पहले वाली वीडियोस के थ्रू किसी भी जॉब पर अप्लाई करा है या कहीं आपने इंटरव्यू दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक ऐसी ही फाइनेंस जॉब अपडेट्स के साथ तब तक के लिए थैंक यू